नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। हरदोई के अखमेलपुर मलवा में चल रही श्रीमद भागवत कथा के छठे दिवस में असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य अनूप ठाकुर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन कंस वध का प्रसंग सुनाया। कंस वध के विषय पर उन्होंने कहा कि अधर्म का नाश करने, धर्म की रक्षा करने के संकल्प के साथ ही भगवान इस धरती पर अवतरित हुए थे। हम सब जो मोह माया में पड़े हैं, यह भगवान की भक्ति से भटकाने का रास्ता है, इसलिए मोह माया को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से जुड़ें। व्यास अनूप महाराज ने बताया कि प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके बुराई पर अच्छाई का, अधर्म पर धर्म का संदेश दिया। कंस मन का प्रतीक है, आज भी वह प्रतीक मानव को बुराइयों की ओर ले जा रहा है। इस प्रमाण है कि हमारा वर्तमान समाज आज समाज में बढ़ा हुआ पाप और भ्रष्टाचार मानव की मन की देन है। प्रत्येक मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, फिर वो मार्ग पाप का ही क्यों ना हो। अनूप महाराज ने कहा कि मन शिक्षा में नहीं बल्कि दीक्षा में नियंत्रित होता है। मन की बुद्धि और सोच के अनुसार धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, पर ये परिभाषाएं भी मानव मन को बदलने में असमर्थ हैं। इसलिए आवश्यकता है श्री कृष्ण जैसे गुरु की शरण में जाने की। वैश्य मथुरा रूपी देह में ईश्वर का प्रकटीकरण करते हैं और तभी मन रूपी कंस की समाप्ति होगी। इस मौके पर परीक्षित राकेश ने सप्तनिक व्यास पूजन किया और भानु प्रताप सिंह गुड्डू, सुशील सिंह, अखिलेश सिंह, शिव बहादुर सिंह, महेंद्र सिंह फौजी, दिनेश सिंह कोटेदार समस्त भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।